मैं बनाने जा रही हूँ पपाया यानी पपीता की सब्जी। जैसे कि मैंने पपाया को काट लिया है, पपीता को छोटे छोटे टुकड़े में ऐसे साइज में मैंने काट लिया है। ये रहा अदरक कुटा हुआ, जिंजर, ये ग्रीन चिल्ली जो दो भागों में मैंने काट दिए लगभग 4-5 पीस। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा ले सकते हैं, अगर तीखा नहीं तो इसे कम भी कर सकते हैं। मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया है जिसमें मैंने एक सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल को डाल दिया है। आप जो भी तेल खाते हो वो भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही तेल आप डालिएगा। पहले अदरक डालेंगे, कटा हुआ हरा मिर्चा, अदरक भुनेंगे। कटे हुए पपीता के टुकड़ों को डालेंगे, चलाएंगे। थोड़ा से इसमें कुछ के बाद नमक डालेंगे, खाने के अनुसार स्वाद के अनुसार जैसे आप डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे, बस और कुछ नहीं इसमें डालेंगे। इसमें हल्दी वाला कुछ थोड़ा सा आप खाने का सोडा डालेंगे, लगभग हाफ स्पून आप खाने का सोडा डालेंगे, इसको आप चला देंगे। आँच कितना रखेंगे? आँच एकदम कम रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा पानी भी इसमें रखेंगे गलने के लिए। जैसे कि मैंने इसको ढक दिया, कुछ देर ढकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए पपीते ने पानी छोड़ दिया है, कुछ देर बाद सीज जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है, इसको बहुत आप इजी मेथड से बना सकते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी रेडी हो गई है, अब मैं इसे सर्व करूँगी दाल चावल के साथ, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए चटपटे, इसमें ज़्यादा मसाला भी नहीं पड़ते हैं, ये बहुत ही पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा होता है, खाना बहुत ही डाइजेस्ट हो जाता है बहुत जल्दी ही, और शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे हमें हमेशा सेवन करना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा है। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।